अर्जुन तथा सुभद्रा का पुत्र है मामाश्री। अर्जुन का सामर्थ्य लेकर जन्मा इस आयु में नारायणी सेना द्वारा बनाया चक्रव्यूह तोड़कर मध्य भाग तक पहुंच जाता है। नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु हरण वो प्यासा रक्त का इतना ऐसा मंजर बना दिया हुई हार्त निश्चित पांडवों के जब चक्रव्यूह को था रचा गया। वीर डरे महावीर डरे पसीने से लथपथ चेहरे थे कैसे जीतेंगे जब अर्जुन भी रणभूमि से दूर गया। तभी आया वीर सेना को चीर ले हाथ धनुष तरकश में तीर ले तेज ललाट पे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बोला हो गंभीर मैं घुसना जानू चक्रव्यूह में पर वापस आना जानू ना पर वापस आना भी किसको मैं घुस के सबको मारूंगा। मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा और प्राण दाव पे दे दूंगा मैं रक्त की आखिरी तलक मैं कुरु सेना को रोकूंगा। सौगंद मुझे मेरे पिता श्री की धर्म को ना रोने दूंगा जब तक ना होता सूर्यास्त मेरी श्वास में ना रुकने दूंगा। आज कटेगी गर्दन तब तक रण में होगा मर्दन जब तक धनुष मेरे हाथों में शत्रु की भैंस चलेगी धड़कन या तो जीत के मैं इतिहास रचूंगा या मर के इतिहास बनूंगा। गूंजेगा सुन आसमान मेरे प्रत्यंचा की गर्जन। यदि घर में मिलते तो उपहार मांगता किंतु समर में मिले हैं इसलिए प्रहार मांगता हूँ। मैं पांडु पुत्र अर्जुन तथा यादव कन्या सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मामा श्री कृष्ण की गोद में खेला हूं मैं और आज मृत्यु की गोद में खेलने के लिए इस रणभूमि में उपस्थित हूं। वर्ष की आयु में ही कर दिए लाखों मुंड खंड और भेद दिया था चक्रव्यूह को ले ज्वाला आंखों में प्रचंड वो तीर पे तीर चलाता जाए वो रक्त की नदियां बहाता जाए। हाँ रक्त से उसने लाल किया वो कुरुक्षेत्र का भूखंड नियति के द्वारा पर फिर षड्यंत्र ऐसा रचा गया। हाँ अभिमन्यु को तब रण में महारथियों के सामने खड़ा किया तीरों से काटे तीर गदा से गदा को चकनाचूर किया युद्ध हुआ भीषण उस शौर्य वान ने सबको हरा दिया। हाँ एक एक करके हारे तब अधर्म का फिर था मार्ग लिया और अश्वत्थामा द्रोण कुनी ने मिलके प्रहार किया वो अर्जुन पुत्र कांप नहीं हर वार का प्रतिकार किया। फिर कर्ण शकुनी दुर्योधन ने पीठ पे उसके वार किया तीरों से भेदा छाती को मारा गदा से जैसे हाथी हो खंजर वो के जिस्म में ना मृत्यु फिर भी आती क्यों। तलवारों से किए घाव ने घावों से दी फिर पीठ भेद मुख पे फिर भी हंसी वीर के मृत्यु का ना कोई खेद। ना पीछे उसने पग मोड़ा ना भाग के उसने रण छोड़ा ले रथ का पहिया उठा हवा में शेर गरज कर वो बोला कहते हो खुद को महाबली और खुद पे तुम इतराते हो फिर नपुंसकों की भांति लड़ने एक निहत्य से आते हो। ये मृत्यु है स्वीकार मुझे पर धर्म को ना झुकने दूंगा मेरे पिता के माथे पर मैं तिलक कभी हार का ना लगने दूंगा। वो सूर्यास्त तक लड़के निहत्था वीर गति को प्राप्त हुआ उस अभिमन्यु के आगे आज पूरा कुरुक्षेत्र था झुका हुआ। काश्री काकाश्री मेरे पिता से कहिएगा मैंने उनके नाम पर लाचन नहीं लगने दिया और मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ।